रहेंगे, पूरी पूरी लाइनिंग अब किसकी हो गई 25 का तैयार। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है आपकी साइड से, नॉइस आ सकती है घर पे हो। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम, उसके साथ कुछ मशीन की थोड़ी तेज वॉइस आ रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा तेज मैं एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो, माइनर पॉइंटर क्या होता है कि इट डजंट पॉइंट एनी वेयर, वॉइस पॉइंट क्या होता है, पर्टिकुलर टाइप के किसी भी बिना टाइप वाले एलिमेंट को, मतलब किसी भी टाइप के एलिमेंट को का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है। पर नल पॉइंटर क्या होता है, इट डजंट पॉइंट एनी वेयर। ठीक है, तो ये नल पॉइंटर क्यों यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, लेट्स सी। इसे इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, यहाँ जो नल दिया है, अभी तक देखो एक सिंबल हमने देखा था स्ट्रिंग में, ये क्या था, ये कॉल इट audible? Yes ma'am, audible ma'am. ये सिंबल क्या है, नल कैरेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो नल है और इस कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है मैम? ये स्पेस का एक बाइट, ये कुछ भी हो सकता है मैम। ठीक है, देखो कुछ नहीं चाहिए किया है, दो दो हमें थे इस क्लास में। क्या है बेसिकली, यहाँ हमने क्या किया, पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करेगा, एक एड्रेस। ठीक है, नल पॉइंटर ऐसी जगह है आपकी मेमोरी में जिसका, जिसे कोई भी पॉइंट नहीं करता, एक स्पेशल एड्रेस है जो हमें बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज हम करते हैं, जैसे कि आपका लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हमें ये बताना है कि आपका जो लास्ट आपकी इंफॉर्मेशन है उसे फेच करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा जो एलिमेंट हम फेच कर रहे हैं वो लास्ट है या नहीं, क्योंकि लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, क्या होता है, एक डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस पार्ट में पॉइंटर वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल मतलब उसमें रो वेरिएबल जिसमें एड्रेस स्टोर है। तो अगर उस लास्ट पार्ट में नल स्टोर है, दैट मीन्स दैट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये नल जो है आपका कांस्टेंट हम इसे है, इसे ये कहाँ डिफाइन होता है, stdio.h में, lib.h में और string.h में, तीनों में ये नल डिफाइन होता है। अभी अगर हमने टाइप लिख दिया कि इन पॉइंटर आईपी इज इक्वल्स टू नल, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एड्रेस जो नहीं है। ठीक है, नल की वैल्यू जो होती है बेसिकली इट इज योर जीरो एड्रेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, int pointer p is equals to address of a, तो address of a is a numerical value, it has to be। ठीक है, यहाँ जो null pointer होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू अगेन न्यूमेरिक वैल्यू बट अ जीरो वैल्यू, जीरो मतलब कोई एड्रेस ही नहीं है, ये है क्या, am I clear? देखो जैसे हम यूटिलाइज करते हैं, देखो जितने लोग कोड कर सकते हैं ट्राई टू कोड इट। क्या किया हमने, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और पी में इनिशियलाइज कर दिया नल को। अगर आप वैल्यू ऑफ पी देखेंगे, यहाँ पे यू आपका क्या करता है, या तो अनसाइन नंबर, अगर उसे आप प्रिंट करेंगे देन यू विल गेट जीरो, कोई भी हेक्साडेसिमल एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस नहीं आ रहा। हाँ, क्यों आ रहा है, क्योंकि नल की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जैसे आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है 264, मान लीजिए कि एड्रेस ऑफ ए 264, तो अगर आप इंट पॉइंटर पी इज इक्वल टू 264 लिख रहे हैं, अगर ये वैलिड एड्रेस है किसी वेरिएबल का तो वो इसमें असाइन हो जाएगा, है ना। क्या ट्राई करो आप लोग, ये ट्राई करो पहले कि एक एड्रेस ए जो है वो प्रिंट करा लो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो इंट ए
एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करा लो एंड देन यू असाइन पी इज इक्वल्स टू दैट एड्रेस, जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना एक्चुअल, उस एड्रेस को आप प्रिंट करो, उसको असाइन करो और फिर पी की वैल्यू फिर से प्रिंट करो। समझ आ रहा है क्या करना है? डिक्लेयर अ वेरिएबल ए एंड प्रिंट परसेंटेज यू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब ए की जो भी वैल्यू आ रही है ना, जो एड्रेस की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, समथिंग सम एड्रेस ऑफ योर मेमोरी, यू डिक्लेयर अ पॉइंटर पी एंड असाइन दैट वैल्यू टू बी, जो भी वैल्यू आई है उसको असाइन करो एंड देन प्रिंट जो भी है परसेंटेज यू और पी की वैल्यू प्रिंट कराओ। अगेन पी में क्या करो, नल डाल दो और फिर पी की वैल्यू प्रिंट करो, ट्राई इट। किसी ने मैम सेम ही आ रहा, जीरो ही आ रहा है। कहो स्क्रीन शेयर करो। मैम ए में कोई वैल्यू लेना है ना? नहीं नहीं, ए में कोई वैल्यू असाइन करना है ना? ए की कोई वैल्यू असाइन कर दो और एड्रेस लो, ए का एड्रेस क्या है वो फाइंड आउट करो। ओके मैम, स्क्रीन शेयर करो क्विक। Yes, मैम किया मैम। चलो क्या किया तुमने? किया ए, किया एड्रेस ऑफ ए लो, परसेंटेज यू में क्या है एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराओ। एड्रेस ऑफ ए जो भी है पॉइंटर ए, नहीं एड्रेस ऑफ ए कर, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इन पॉइंटर पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, या इसको प्रिंट एफ के बाद डालो और फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट वाली कॉपी करो। सेम ही एड्रेस आ रहे हैं मैम? नहीं नहीं, अभी कैसा आएगा? नहीं नहीं आना चाहिए। अभी क्या किया ये, उसको प्रिंट तो करना ही है। परसेंटेज डी भी डाल सकते हो, कोई वो इश्यू नहीं है, डी डाल लो। डी में परसेंटेज डी ठीक है। अब दोबारा प्रिंटर स्टेटमेंट कॉपी करके पेस्ट करो, रन कर।
आया है 64, देखो 0 आया ना लास्ट वन। अब ये जो है 6422036 को कब कब ध्यान रखना, कॉपी करना 6422036। चलो क्लोज करो इसको। ठीक है, यहाँ पे इंट पॉइंट पी जो कुछ एड्रेस पे लिखा है ना, एड्रेस ऑफ ए की जगह लिखो 6422 क्या जी वाले, पेस्ट करो। ठीक है, रन करो। ठीक है, क्योंकि एक वैलिड एड्रेस है ये आपके पॉइंटर में चला गया। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पे। जीरो भी एक एड्रेस है जो जिसे कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट पॉइंटेड बाय एनी अदर वेरिएबल। ओके, 6422036 इज अ वैलिड एड्रेस एट विच ए इज स्टोर। गेटिंग? अगर आपका कोई वैलिड एड्रेस है जो एग्जिस्ट कर रहा है जिस जगह किसी वेरिएबल को हमने असाइन किया है, तो वो अगर वो वैलिड है तो आपका किसी पॉइंटर में असाइन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नल भी एक वैलिड एड्रेस है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जीरो है, इट्स जीरो एड्रेस बेसिकली। एम आई क्लियर? यस मैम। कैसे पॉइंटर को रिटर्न करते हैं फ्रॉम अ फंक्शन? सो इफ यू सी हियर, ऑलरेडी वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हमने क्या किया है, इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कैसे हम पॉइंटर को रिटर्न करते हैं फ्रॉम अ फंक्शन? कि अगर हम पॉइंटर रिटर्न करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटीजर टाइप वेरिएबल रिटर्न करा रहे थे या डबल टाइप किसी भी टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न करा रहे थे, तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जिसे हम रिटर्न करा सकते हैं फ्रॉम अ फंक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हम आपका डिक्लेरेशन है उस जगह हमें जो रिटर्न टाइप है वो पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो क्या कहता है कि हमें ऐसा पॉइंटर एड्रेस रिटर्न करना है, पॉइंटर रिटर्न करना है, पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करना है जो क्या होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर मतलब द पॉइंटर वेरिएबल हु इज होल्डिंग एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। उसके बाद हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ वो नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद हम क्या इनपुट दे रहे हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या पास कर रहे हैं, दिस इज अ प्रोटोटाइप। देन वी डिफाइन द मेन फंक्शन, इसमें हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन किए और एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद हमने ए की वैल्यू इनपुट कराई, बी की वैल्यू इनपुट कराई। उसके बाद हमने क्या किया, पी इक्वल्स टू पॉइंट मैक्स एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये जो रिटर्न टाइप देगा वो कहीं तो हमें असाइन करवाना है, तो लेकिन क्योंकि ये पॉइंटर टाइप रिटर्न टाइप है तो जिस वेरिएबल में हम इसे असाइन कर सकते हैं वो भी एक पॉइंटर टाइप होना चाहिए। तो ये हमने क्या डिक्लेयर किया, इंट पॉइंटर पी, दिस इज इंट पॉइंट पी। उसमें हमने फिर क्या किया, कॉल किया है और पास क्या किया है, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ पी। इफ यू सी हियर, तो यहाँ पर सेम आपकी डेफिनेशन है, एक एक्स वेरिएबल है, एक्स टाइप मतलब ये जो है x is a pointer type variable which is holding the address of an integer, y is a pointer variable which is holding an integer address. तो अब यहाँ जो ये जो declaration है और ये जो है इसमें क्या difference है, यहाँ तो हम declare कर रहे हैं कि x जो है integer type variable, एक pointer variable है that is holding the address of an integer, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, the value at address, value at pointer x, ठीक है, the value pointed by x, द वैल्यू पॉइंटेड बाय वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू में कुछ डिफरेंस है देन रिटर्न एक्स। अब एक्स क्या होगा, सिंस इट इज अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल इट विल बी एन एड्रेस टाइप, राइट, या एड्रेस ऑफ ए दिस इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ बी। तो अगर हम रिटर्न एक्स कर रहे हैं मतलब एक एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, एड्रेस कहाँ जाके सेव हो सकता है, सिर्फ एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में। एम आई क्लियर?
यस मैम यस मैम देयर आर पॉइंटर टू पॉइंटर फंक्शनैलिटी इन सी एज़ वेल। ये क्या करता है कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल में दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का स्टोर कर सकते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू पॉइंटर्स। ओके वन पॉइंटर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। तो इसी पॉइंटर को क्या करना है, वेरिएबल जो एड्रेस होल्ड करेगा। तो क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं इंट पॉइंटर पी। तो पी भी तो एक वेरिएबल है, भले ही ये किसी टाइप की डेटा ले रहा है, लेकिन इसको भी हमें क्या होता है, एक स्टोरेज चाहिए है ना। स्टोरेज चाहिए मतलब एक मेमोरी एड्रेस चाहिए, तो उसका भी एक एड्रेस एग्जिस्ट होगा। तो उस एड्रेस को भी हम किसी एड्रेस में स्टोर करा सकते हैं, किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट, यहाँ क्या लिया हमने, एक वेरिएबल लिया, फिर डिक्लेयर किया एक पॉइंटर इंट पॉइंटर पी, और दूसरा लिया उसके साथ में दो एस्ट्रिक यूज कर, दो एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, अगर तीन एस्ट्रिक है तो पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अगेन यहाँ जो लिख रखा है ये स्टिल ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंटर है इट इज होल्डिंग एन इंटीजर टाइप वेरिएबल एड्रेस। ठीक है, पी में हमने क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ ए। क्यू में हमने क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ पी। इफ यू सी हियर, ये जो एड्रेस है ये पी में स्टोर हुआ, ये जो एड्रेस है ये क्यू में स्टोर किया। एक और अगर हमने बना दिया पॉइंटर 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 आर, देन वी कैन टाइप आर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ क्यू। तो यहाँ पे जो एक और वेरिएबल बन जाएगा दैट इज आर, इट विल होल्ड 65558 एंड लेट्स से इसका नंबर है 59। sequentially indexed elements का set है ना, non-empty set of sequentially which consists of homogeneous type of data। ये क्या होता है, sequential memory locations hold करते हैं in your main memory। Again they are stored in successive increasing locations। ठीक है, first element 2 पे है और ये integer type है, तो second element 4 पे होगा, थर्ड एलिमेंट 6 पे होगा एंड सो ऑन। एक चीज और हमने लास्ट में कवर की थी कि अगर हम जो भी आपका एड्रेस है एरे का है ना, अगर आपने किसी एरे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एरे डिक्लेयर किया है, तो एरे या एड्रेस ऑफ एरे दोनों किसे पॉइंट करते हैं, बेस एड्रेस को। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे हमने क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है कि देखो आप लोग पैरेलली कोड करते जाएंगे उसको। क्या किया, एक एरे नाम का एरे डिक्लेयर किया विच कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज योर एरे 0, दिस इज योर एरे 1। ठीक है, तो जब अगर हम एरे प्रिंट करें, जो नेम ऑफ द एरे है आपका, ये जो एरे जो नेम ऑफ द एरे है बेसिकली, या फिर एड्रेस ऑफ एरे, या फिर एड्रेस ऑफ एरे 0, एड्रेस ऑफ एरे 0 इज इक्वल्स टू एड्रेस एरे इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एरे। मतलब अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, या तो आप इसके साथ 0 असाइन करो, लेकिन एड्रेस लगा है या सिर्फ हमने एड्रेस एरे लिखा है या सिर्फ एरे लिखा है, तो तीनों इक्विवेलेंट है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट कराएंगे इन दोनों की, तो ये वन एंड सेम आएगी। सेम चीज दी है कि अगर सेम है
तो एरे एड्रेस ऑफ एरे और एड्रेस ऑफ एरे ऑफ जीरो एलिमेंट इज सेम. इज दैट क्लियर? ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है. ठीक है, हाँ या ना तो बोलो भाई. यस मैम. यस मैम. इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पॉइंटर्स इसको कोरिलेट करते हैं. बेसिकली जो एड्रेस ऑफ मतलब जो एरे नेम है दैट इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. दैट्स अ पॉइंटर. सो द नेम ऑफ द एरे कैन बी यूज्ड एज अ पॉइंटर एंड एन इंटीजर वैल्यू शेयर. Of an array A is given as A of I and the address of ith element is given by address of A. इसे हम कैसे represent कर सकते हैं? A plus I multiplied by this is multiplied. Okay, basically multiplied by I multiplied by size of the type point is 2 by A. मतलब अगर आपका एक array है A, ठीक है, उसमें element है 2, 4, 6, 8. अगर आपका यहाँ जो बेस एड्रेस है वो 100 है, तो अगर आपको ए ऑफ 1 का एड्रेस निकालना है, दिस इज योर ए ऑफ 1, तो हम इसे कैसे निकालते हैं? ए दैट इज योर बेस एड्रेस प्लस आई. आई मतलब किस इंडेक्स की बात करते हैं, तो आई मतलब 100 प्लस 1 और मैन साइज ऑफ द टाइप. किस साइज का है, सिंस इट इज एन इंटीजर टाइप, तो क्या एड्रेस आएगा? 102. सो ये जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी लोकेशन क्या आएगी? 102. अगर आप फोर्थ एलिमेंट की मतलब फिफ्थ एलिमेंट की लोकेशन निकालना चाहते हो तो 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 108. तो इसकी जो लोकेशन आएगी वो क्या आएगी? 108. एम आई क्लियर? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो ये तो हमने जो किया ये मैनुअल हमने इंटरप्रेट किया कि वॉट विल बी द एड्रेस. बट ये जो स्केलिंग है इसे हम बोलते हैं जो आई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे, दिस इज नोन एज स्केलिंग. ये स्केलिंग जो है आपका कंपाइलर आपको करके देता है. ओके, तो जब भी आप एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई लिखेंगे तो आपको कैलकुलेट करके वो खुद दे देगा कि ये 108 पे है या 104 पे है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. तो बाय डिफॉल्ट दिस स्केलिंग इज डन बाय योर कंपाइलर. ठीक है, ओके. हाँ भाई ठीक है ना? यस मैम. यस मैम. अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम कैसे लिखते हैं? अगर आपका ए ऑफ आई है, अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो आपको वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी, लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं पेरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम स्ट्रिक यूज करते हैं. ए ऑफ आई इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, ये है आपका बेस एड्रेस प्लस आई. आई हमने यहाँ लिखा उसका मतलब कौन सी इंडेक्स है. तो यहाँ जो अपनी आप स्केलिंग हो रही है वो खुद से कर लेता है. जब हम ए प्लस आई लिख रहे हैं या ए ऑफ आई लिख रहे हैं तो ए ऑफ आई का क्या मतलब है? ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, राइट. देन अब उसके लिए हमें यहाँ पर भी वही सेम स्केलिंग होगी और फिर जो एड्रेस फाइंड आउट हो जाएगा उस जगह क्या वैल्यू है. दिस इज डिटरमाइन इन दिस वे. ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ ना बोला करो. यस मैम. थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसी हम पॉइंटर्स भी डिफाइन करेंगे. This thing is important. कैसे एक्सेस करते हैं अगर हमें ये, क्योंकि दिस इज वैल्यू है या जो आपका एलिमेंट है डायरेक्टली उसे एक्सेस कर रहे हैं तो हम पॉइंटर की हेल्प से कैसे करेंगे? विद दिस वैल्यू ऑपरेटर ए प्लस आई. ओके, सो देन वन डायमेंशनल एरे कैसे लिखते हैं हम? अगर हमारे पास एक सिंगल डायमेंशनल एरे है तो ए ऑफ आई इज इक्विवेलेंट टू पॉइंटर ऑफ ए प्लस आई.
पॉइंटर ऑफ आई प्लस ए एंड आई ऑफ ए, ये चारों चीजें इक्विवेलेंट है. इज दैट क्लियर? यस मैम. दिस वन इज क्लियर? यस मैम. अब एरे ए में मान लो कि ए है, वो क्या करता है आपके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली अगर आपका 100 एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है तो 100 है ये, बेसिकली ए जो है इसका एड्रेस 100 है. तो 100 और आई की वैल्यू आपको पता है कि इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है. जो भी इंडेक्स अलग से अगर आप ए ऑफ आई है, अगर आप ए ऑफ वन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है वन है और वन के साथ स्केलिंग भी होगी, तो वन मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर टाइप वैल्यू. तो बेसिकली अब इसकी जब हम बात करें तो ये क्या हुआ, 1 × 2 + 100, यही तो हुआ. इसीलिए वन एंड सेम एड्रेस आपको मिलेगा, वन एंड सेम एलिमेंट आपको मिलेगा. ओके ठीक है. ओके अब इसी के बेसिस पे 3-4 पॉइंट्स है यहाँ पे. अगर आपका एक एरे है ए और यू हैव एन इंटीजर आई फॉर द इंडेक्स, देयर आर 4 रिलेशंस. क्या क्या है कि एक तो एड्रेस ऑफ ए 0 इज इक्वल टू ए है, मतलब बेस एड्रेस है. दिस इज आल्सो बेस एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इज बेस एलिमेंट. उसके बाद एड्रेस ऑफ ए आई को हम ए प्लस आई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके क्योंकि हम ए ऑफ आई को अगर पॉइंटर ऑफ ए प्लस आई लिख सकते हैं तो एड्रेस ऑफ ए आई को लिख सकते हैं. एड्रेस पॉइंटर ए प्लस आई, एड्रेस और पॉइंटर कैंसिल हो जाता है आपस में, आई ऑफ आई बचता है, तो दिस इज ए प्लस आई. ठीक है? यस मैम. देन हाँ ये सेम चीज है, ए ऑफ आई इज इक्वल टू पॉइंटर ऑफ ए प्लस आई, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. तीसरा क्या है कि एड्रेस ऑफ ए आई माइनस अगर हम एड्रेस ऑफ जे करेंगे तो क्या मिलता है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वुड फिट बिटवीन देम. क्या ये कह रहा है कि जब आप एड्रेस ऑफ ए आई करेंगे माइनस एड्रेस ऑफ ए जे करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन आई एंड जे आपको मिलेगा. कि अगर आपने एड्रेस ऑफ ए फोर किया माइनस एड्रेस ऑफ ए टू किया, अगर इंटीजर टाइप का है लेट्स से और आपका बेस एड्रेस है 100, ठीक है, इसका एड्रेस क्या होगा 108, और टू का क्या होगा 104. तो 108 माइनस 104 क्या हुआ, 4. ठीक है, तो दिस आई माइनस जे पे 4 आएगा. तो 4 का मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट्स आपके फिट कर सकते हैं बिटवीन दीज टू प्लेसेस. इज दैट क्लियर? यस मैम. माइनस की जगह जैसे प्लस भी कर सकते हैं. प्लस एक्चुअली में जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक करेंगे तो आपको समझ आएगा. एड्रेस जब तक हमें पता है कि वैलिड एड्रेस है आपका, एरे जहां तक डिक्लेयर है वहां तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाहर क्या चीजें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे देन दैट विल क्रिएट योर गार्बेज वैल्यू. ना गार्बेज वैल्यू आपको रिटर्न करेगा अगर आप प्लस कर दिए, क्योंकि क्यों आपकी जो लास्ट एलिमेंट है वो 108 तक है और उसमें आप किसी और का एड्रेस ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो तो आपके एरे का पार्ट ही नहीं है. राइट? यस मैम. पॉइंटर और एरे के बीच में क्या इक्विवेलेंस है, अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एरे टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट और एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो पी भी एड्रेस स्टोर कर सकता है और ए एक एड्रेस है, बेस एड्रेस है ना, तो पी में हम बेस एड्रेस डाल सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू असाइन एरे टू अ पॉइंटर. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके ठीक है. अह
कंडीशन क्या है आपकी, पॉइंटर भी सेम टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का आपने एरे डिक्लेयर किया। ओके यस मैम। ओके तो यहाँ पर P3 can also be written as pointer of P+3। जैसे अब आपको पता है कि आपके पास बेस एड्रेस आ गया है और आपने ये असाइन कर दिया है, तो अब आप P की हेल्प से भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और P की एलिमेंट हेल्प से एक्सेस करेंगे जब हम, तो पहले हमें अगर पॉइंटर के थ्रू एड्रेस करना एक्सेस करना पड़ा था तो हम क्या करते थे, पॉइंटर P का यूज करते थे। पर चूंकि पॉइंटर P इज नाउ क्या है, इट इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द बेस एलिमेंट, तो हम A की रिप्लेस कर सकते हैं P से। तो P ऑफ 3 इज बेसिकली पॉइंटर ऑफ P+3, मतलब वैल्यू एट द फोर्थ लोकेशन ऑफ द एरे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके द पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशंस अननेसेसरी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, पॉइंटर जो है बाहर लगाया P प्लस 3, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया होता पॉइंटर P प्लस 3, तो क्या होता, जो भी वैल्यू है एट द बेस एड्रेस ऑफ A उसमें 3 ऐड हो जाता, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है? इसलिए लगाना ओके। क्या किया है अब इसमें, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है और एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है। देन अभी हमने देखा था ए ऑफ आई पॉइंटर ऑफ ए प्लस आई, पॉइंटर ऑफ ए प्लस आई पॉइंटर ऑफ पी प्लस आई और पी ऑफ आई, ये सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है, आइडेंटिकल। Pointed to an array does not always point to the first element। अब ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा first element का ही address उसमें डाल सकते हैं, हम किसी भी element का address डाल सकते हैं pointer में और उसके बाद से उसकी values को fetch भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया, element declare किया, पहले p में address हमने डाला a का, ठीक है। पहले क्या कर रहा था, p और ये a equivalent है, लेकिन हम p में थर्ड एलिमेंट का एड्रेस भी पास कर सकते हैं दिस नोटेशन ए प्लस टू, ठीक है। मतलब अपने आप इंडेक्स में मल्टीप्लाई होगा उसका, डिफॉल्ट कंपाइलर कैलकुलेट करेगा इस एड्रेस को और पी में असाइन कर देगा। तो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस, फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस भी हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। इजी सही है ना, पॉइंट बहुत इजी है। हमने क्या किया है, दो तरीके से डिफाइन किया है। एक से हमने क्या किया है, एरे टाइप से कैसे हम वैल्यूज को प्रिंट कराए एरे एलिमेंट्स को। दूसरे में हमने क्या किया, वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज किया है एंड देन वी हैव एक्सेप्ट्स द वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पॉइंटर कुछ यूज नहीं किया, बस वैल्यू ऑपरेटर यूज किया। ओके यस मैम। दीज आर वन एंड सेम आउटपुट आएगा आपका। क्या है, यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ग्रेड पॉइंटर, एंड देन वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ग्रेड्स। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस डाल दिया है पॉइंटर में। देखो सेम टाइप का होना चाहिए, पॉइंटर है और इंटीजर टाइप का ही आपका एरे है। हमने क्या किया है यहाँ पर, अभी हमने लास्ट में क्या किया, एरे नेम के हेल्प से किया। यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंटर प्लस आई की हेल्प से एलिमेंट्स को प्रिंट कराया। दैट क्लियर? ओके क्लियर है? मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके यहाँ पर एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, रिप्लेस ईच ऑफ द प्रेफरेंस टू सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल विद अ पॉइंटर रेफरेंस। तो पॉइंटर के लिए अगर हम इसे वैल्यू एट ऑपरेटर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा, वैल्यू एट ऑपरेटर
मतलब मैम एस्टेरिक प्राइस इज 5 प्लस आई इज प्लस 5 हां सॉरी प्राइस इज 5 ये वाले का बताओ एस्टेरिक ग्रेड्स प्लस 2 एस्टेरिक ग्रेड प्लस 10 अच्छा अब इसको क्या करना है सबस्क्रिप्ट नोटेशन से करना है मैसेज 6 मैसेज मैसेज 6 स्क्वायर ब्रैकेट 6 अमाउंट 0 अमाउंट 0 ठीक है बस इयर्स 10 ठीक है इजी है ठीक है यस मैम ओके अभी नेक्स्ट क्या है Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is the slide visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ये आप लोग की एक्सरसाइज है कर लेना नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे मैं भी ऐसे कितने दिन तक क्लासेस हम लोग का बचा हुआ है सी पॉइंटर्स कवर कराऊंगी मैं आपको इसके अलावा मैम वो एक्सरसाइज दिखा दीजिए मैम स्क्रीनशॉट लेना है अभी रुको मैं अभी मेरा चल रहा है हम ले लिए हैं यस सर शेयर कर देंगे ग्रुप ओके स्लाइड्स विजिबल है यस मैम यस मैम नाउ वी हैव पॉइंटर अरिथमेटिक क्या कहता है कि आप पॉइंटर के साथ कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं कौन से ऑपरेशन हैं जो नहीं परफॉर्म कर सकते हैं लेट्स सी ईच ऑफ देम सो देयर आर ओनली सम वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन पॉइंटर्स असाइनमेंट ठीक है आप एक पॉइंटर्स को दूसरे पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं विच इज होल्डिंग सेम पेमेंट एड्रेस सेम टाइप होना चाहिए अगर आपने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो दूसरा वाला जिसमें आप असाइन करना चाहते हैं की पॉइंटर एड्रेस टाइप जो भी वैल्यू है आपने एक पॉइंटर में उसको दूसरे टाइप में असाइन करना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंटर भी आपका इंटीजर टाइप ही होना चाहिए एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग अ पॉइंटर एंड एन इंटीजर एक कांस्टेंट को आप पॉइंटर में ऐड कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं गिवन दैट की वो वैल्यू वैलिड एड्रेस है ठीक है यहाँ एरे और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है एरे में अगर हम ऐड कर सकते हैं इंडेक्स को ठीक है माइनस भी कर सकते हैं लेकिन बिटवीन जो एड्रेसेस हैं वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए लेकिन पॉइंटर्स के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है अगर कोई भी वैलिड एड्रेस है देन इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लेकिन अगर पॉइंटर आपका एरे को पॉइंट कर रहा है तो इन दैट केस एडिशन इज नॉट पॉसिबल ठीक है पर उसमें भी हम इंटीजर्स को एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग टू पॉइंटर्स
दिस इज पॉसिबल, ये अभी हमने किया, जैसे हम एरे में कर सकते हैं इसी तरह पॉइंटर में भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या है आपका पॉइंटर जो भी है एक है, तो इस पर भी हम क्या कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन डिक्रीमेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं गिवन दैट दे आर पॉइंटिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ठीक है, जैसे हम एरे में कर सकते हैं उसी तरह क्या कर सकते हैं पॉइंटर्स के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपका जो पॉइंटर है वो एलिमेंट्स ऑफ एरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप वैल्यू जीरो असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने किया, क्या किया पॉइंटर p इज इक्वल टू नल किया या पॉइंटर p इज इक्वल टू जीरो किया, तो क्या है हमने जीरो वैल्यू असाइन कर दी, तो पॉइंटर में हम जीरो भी असाइन कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है एडिशन ऑफ टू पॉइंटर, ठीक है आप ये नहीं कर सकते कि एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इंट पॉइंटर p इंट पॉइंटर q, तो p प्लस q इज नॉट अलाउड क्योंकि पी क्या कर रहा है एड्रेस होल्ड कर रहा है, क्योंकि एड्रेस कर रहा है एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो इन दैट केस अगर ये दोनों का जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक थर्ड एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो, दिस इज नॉट अलाउड। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम पॉइंटर का किसी एक नंबर से, डिवाइड नहीं कर सकते एक पॉइंटर को किसी नंबर से, ये ऑपरेशन जो है दीज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, असाइनमेंट का पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड पॉइंटर है और राइट हैंड ऑपरेंड इज अ नल पॉइंटर, मतलब हमने क्या किया इंट पॉइंटर p इज इक्वल टू नल, दिस इज योर RHS एंड दिस इज योर LHS, लेफ्ट साइड पे है वो एक पॉइंटर है, राइट साइड पे है वो एक नल पॉइंटर है, तो इन दैट केस क्या है असाइनमेंट पॉसिबल। And is a pointer to an object of incompatible type and other is a void pointer, मतलब अगर हमने declare किया int pointer p, ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया void pointer q, तो one operand is a pointer to an object of incompatible type and other is a void pointer, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं p is equals to q कर सकते हैं, this is allowed क्योंकि ये भी एक address को point कर रहा है, ये भी एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, दैट विल होल्ड एड्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल आल्सो पॉसिबल, बोथ आर पॉइंटर्स ऑफ कंपैटिबल टाइप, अगर आपने इंट पॉइंटर q डिक्लेयर किया है इंट पॉइंटर p डिक्लेयर किया है तो p इज इक्वल टू q कर सकते हो, q इज इक्वल टू p, दिस इज वैलिड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमने असाइनमेंट का यूज किया, क्या हो रहा है अब देखो इंट इंटीजर टाइप आई है एंड हमने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया आईपी और एक वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर किया वीपी, आईपी में हमने क्या किया एड्रेस ऑफ आई डाला, ठीक है, वॉइड पॉइंटर में हमने क्या किया जो भी एड्रेस आईपी में है वही एड्रेस वीपी में कन्वर्ट कॉपी कर दिया, सो दिस इज असाइनमेंट। ठीक है, वॉइड पॉइंटर में जो एड्रेस है उसे हमने इंट पॉइंटर पर डाला, दिस इज अगेन एन असाइनमेंट। ओके, इफ आई पी नॉट इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई प्रिंट एफ कंपाइलर एरर और एल्स प्रिंट एफ नो कंपाइलर एरर, इसका आउटपुट बताएंगे मुझे क्या आएगा, नो कंपाइलर एरर आएगा, कंपाइलर एरर आएगा, चेक किया यस मैम, मेरा है क्योंकि फर्स्ट वाला इंट में है सेकंड वाला वॉइड में है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है मम्मा जी को दे देना ठीक है, अगर आप void pointer भी अगर आप ये प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है, पॉइंटर स्टेटमेंट डाल के चेक करो, एक में दूसरे का एड्रेस है ना, दोनों अभी एड्रेस होल्ड कर रहे हैं, यहाँ तक तो कोई इश्यू है नहीं, लेकिन अगर आप पॉइंटर वीपी एक्सेस कर रहे हो तो क्या एड्रेस आ रहा है,
Somebody wants to share with her screen. भाई किसका एरर आ रहा था, शेयर करो स्क्रीन। और अमित किसी का एरर आ रहा है? जिसमें मेरा आ रहा है एरर, स्क्रीन शेयर करो। ओके यहाँ पर मैं एरर बता रहा है। हेलो हेलो, हाँ अनुभव थोड़ा सा और स्क्रीन को खोलो, मतलब पास में ले जाओ, जूम आउट करो, दिख नहीं रहा है उतना ज्यादा। और किसी ने ट्राई किया? क्या क्या लिखा है तुमने? ये मतलब बता रहा है कि एरर इनवैलिड कन्वर्जन फॉर वॉइड स्टार्ट टू इंट स्टार्ट। मैम कोई एरर नहीं आ रही है? नहीं आएगी ना, अभी एरर नहीं आएगी। वॉइड वॉइड पॉइंटर, यस मैम एरर नहीं आ रहा है। अगर आप प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है ये वाला, नहीं ये तो इसमें कोई एरर है नहीं। इन्होंने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया मैम, बस डिफाइन किया। हाँ इसीलिए एरर आ रही है। ठीक है, अगर आप वैल्यू वॉइड पॉइंटर वीपी करोगे, जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट मैंने पास किया अभी, उसे यूज करोगे तब एरर आएगा। ट्राई अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन कर देते हैं कि जो भी वैल्यू जिस भी टाइप का जो एड्रेस सेव है हमारे वॉइड पॉइंट में, वो भी वो जो वैल्यू वो इंटीजर टाइप की है, मतलब टाइप कन्वर्जन हम यहाँ टाइप कास्टिंग अगर कर देते हैं इंट पॉइंटर में, तो आपका एरर नहीं आना चाहिए। जस्ट ट्राई इट एंड वी विल फाइंड अ पेयर। ठीक है, वी विल टेक अनदर क्लास टुमारो और एनी टाइम आई विल डिक्लेयर इट। मैम एक एक वो पॉइंट मैक्स वाला मैम एक एग्जांपल आपने अभी दिखाया, तो वो वाली स्लाइड मैम दिखा सकती हैं? ये है क्या?
नहीं नहीं मैम, पॉइंट मैक्स एक एग्जांपल था मैम, पॉइंट मैक्स अभी दिखाया है। हाँ मैम ये है, ये डाउट है, एरर आ रहा था मैम इसलिए देखना चाह रहे थे। मैं शेयर कर रही हूँ उसको, आप देख लेना ठीक है। ओके मैम, ओके यहाँ देखो ये जो वैल्यूज है ये x रिटर्न हो रहा है, एड्रेस ऑफ x नहीं हो रहा है, x और y रिटर्न कर रहे हैं। फिलहाल शेयर द स्लाइड्स ऑन, आप लोग देख सकते हैं, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आई विल टेल यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। हम करेंगे पॉइंट तक ही आपके एग्जाम में आएगा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सब